हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ और इस गुड मॉर्निंग की शुरुआत एक अच्छे से सनराइज़ से करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सामने सनराइज़ हो रहा है, यानी कि सूर्य उदय। मुझे लग तो नहीं रहा कि आपको अच्छे से दिखता रहेगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, अब आपको दिखता रहेगा। तो सुबह का कुछ ऐसा माहौल है, मैं अपनी छत पर आ रखा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा शेड है। तो थोड़ी देर बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ चुका हूँ, घूमने तो नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पर काम से आ चुका हूँ। मेरा खेत है, मतलब दूर थोड़े से घर से, तो वहाँ पर कुछ मेरे चाचा और भैया लोग हैं, वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर गन्ने के खेत का मतलब काम चालू है, वहाँ पर गन्ने का खेत उगाने वाले। तो वहाँ पर उन लोग के लिए थोड़ा सा ये जूस वगैरह, चना है ना, ये भून के ले जाते हैं ना खाने के लिए, तो लेके जा रहा हूँ। सामने मेरे दो दोस्त है। तो यहाँ पर चलते चलते मैं लगभग मैंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पर पीछे मेरा भाई है, ये देख सकते हो, और यहाँ पर एक और मेरा भाई है, ये इसका नाम है आदर्श, और ये मेरे भाई का नाम है मुकेश। तो बस हम लोग यहाँ पर चल रहे, और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो ये मेरे खेत है, मतलब ये जो गन्ना लगा पड़ा है, तो ये दूसरे को दिया अभी, क्योंकि हम लोग तो मुंबई में रहते थोड़ा बाहर, तो यहाँ पर दूसरे को दिया आधा आधा करके, ऐसा होता है गांव में। तो बस ऐसे चल रहा हूँ और आपको आगे का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी साइकिल, मेरी तो नहीं है, मेरे भाई की है, और यहाँ पर हम लोग रोड पर जा रहे हैं आराम से मस्ती करते हुए। सामने से लगता है कोई तो ट्रैक्टर आ रहा है, हाँ पर सामने से ट्रैक्टर आ रहा है। ओहो, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करना पड़ेगा वीडियो, गाना बज रहा है। तो यहाँ पर चलते चलते हम लोग आ चुके, और ये जो रास्ता जा रहा है ये मिट्टी वाला, इसमें हम लोग को जाना है। तो यहाँ पर मैं वाले रोड पे आ गया हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर चल रहा हूँ। और ये सामने जो आप देख रहे हो, इसे हमारे यहाँ तो भट्ठा बोलते हैं, आपके यहाँ पर मेरे हिसाब से और कई कई जगहों पर ईंट की भट्टी बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो यहाँ पर जो ईंटों को पकाया जाता है, उन्हें मिट्टी से बनाया जाता है, फिर उन्हें गर्म किया, जो भी जाता है यहाँ पर सब कुछ होता है। तो अभी उस उतना तो अंदर में दिखा नहीं सकता, वो लोग मना करते। तो अभी मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ जहाँ पर मेन काम चालू है। तो यहाँ से आगे जाना है, आगे से राइट मारना है, आ जाएगा सामने। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ रास्ते पर, ये जो सामने एरिया दिख रहा है, यहाँ पर देखो काम चालू है खेत का, और यहाँ पर ही ईंट का काम चालू है, यहाँ पर भट्टी विट्टी का। सामने आ रहा हूँ, अब यहाँ पर सबको फिर जूस जो भी चने नाता सब बांटेंगे, आराम से खुद बैठ के खाते, मैं आपको दिखाता हूँ अब हमारा खेत सब कुछ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, पीछे कुछ खेत है, और यहाँ पर ये सब लोग सोए पड़े, देख सकते हो यहाँ पर चादर बिछा के, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे। तो चलो आपको अपना खेत दिखाता हूँ। और ये वाला जो खेत दिख रहा है पूरा, ये भी पूरा हमारा ही है, ये वाला भी हमारा ही है, और वहाँ पर आप देख सकते हो दो ताड़ के बड़े बड़े पेड़, मतलब हमारे यहाँ उसको ताड़ बोलते हैं, आपको देखने में नारियल के पेड़ जैसा लगता होगा, लेकिन वो नारियल का पेड़ नहीं है, नारियल का पेड़ भी ऐसा ही होता है, पर उस पर एक गोल गोल टाइप का होता है, उसको ताड़ बोलते हैं, उसके अंदर जूस होता है, तो वो उसका पेड़ है। और यहाँ पर कुछ बजड़ा के खेत हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, कि गाय भैंसों को मतलब खाने में इन्हें मिक्स किया जाता है, तो ये क्या थोड़े से मीठे होते हैं, तो इसलिए गाय भैंस इनको अच्छे से खाते हैं, तो इसलिए गाय भैंसों के लिए उगाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पूरे खेत में लगे पड़े, और यहाँ पर ये बांस का पेड़ है, और यहाँ पर देख सकते हो कितना खुला एरिया है, सच्ची बोल रहा हूँ, शहर से आने के बाद गांव में इतना खुला देख के एक अलग सी फीलिंग आती है, काफ़ी अच्छा सा लगता है भाई साहब। वहाँ पर साल भर तुम ऐसे छोटे से घर में पड़े रहो, और यहाँ पर अगर इतनी खुली जगह मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। ये देखो, ये ऊपर चढ़ने के लिए ऐसा बांस लगाते हैं, अभी जिसका रेगा उसने लगाया, उस ऊपर चढ़ के उसका जूस निकालते हैं, तो अंकल लोग इस पर चढ़ते हैं। यहाँ पर एक और है ऊपर, तो यहाँ पर एक भाई बैठा है, ये मेरे पहचान के ही हैं, ये भी है मेरा खेत है, ये भी हमारा खेत है, मतलब मेरे दादाजी का, मेरा तो नहीं मैं बोल सकता। तो फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद मैं पहुंच चुका हूँ अपने खेत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये गन्ने के यहाँ पर वो छोटे छोटे से टुकड़े लगे, तो यहाँ पर ये भाई आपको दिखा रहा है कि कैसे लगाते, ऐसे लाइन टू लाइन लगाते, फिर ये जो मिट्टी रखी है इसको उसके ऊपर डालेंगे, और फिर पूरा उग जाएगा। सामने से ट्रैक्टर जा रहा है, सामने एक रोड है, तो कुछ चिता खेत है, अभी ट्रैक्टर ने इसको जोता है। बस चलता हूँ यहाँ से, चल के थोड़ा सा वहाँ पर जूसेस पीते, मतलब नाश्ता पानी जो भी होता है करते। सुबह सुबह उठा था तो आपको मैंने सनराइज़ दिखाया, फिर सीधा यहीं पर आ गया, तो तब से यहीं पर था, अभी यहाँ से वापस चलेंगे थोड़ी देर में, तो कैसा कैसा सीन रहता है सब कुछ आपको दिखाता हूँ।
और ये है छोटा सा बाबू, इसका नाम है शिवांश। हेलो हेलो बोलो हेलो। तो ये मेरे भैया का लड़का है और यहाँ पर एक गाड़ी है, तो यहाँ पर सब लोग बैठेंगे, यहाँ पर अभी खाएंगे। तो ये है ओचाना जो हम लोग घर से लेकर आए थे, अब इसके बाद इसमें जूस लेंगे। तो यहाँ पर है वो जूस जो हम लोग घर से लाते हैं। तो ये गुड़ और दही का बनता है, जो इसमें आपको वाइट दिख रहा है ऊपर, वो दही है और बाकी ये गुड़ है। तो काफ़ी मस्त लगता है, तो चलो इसको भी फटाफट से ख़त्म कर देता हूँ। तो फाइनली सारा काम तम करने के बाद अब आ चुका हूँ मैं अपने घर। तो अभी हो चुकी है रात, वैसे तो मैं घर बहुत ही जल्दी आ गया था, तो मैं सो गया था, तो उसके बाद ब्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।